सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों जो आज का मेरा वीडियो है वो है नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में, जो स्टेट हेल्थ सोसाइटी महाराष्ट्र से इसकी नोटिफिकेशन आई है। इसकी जो नोटिफिकेशन आई है इसमें लगभग 5000 प्लस वैकेंसीज आई हैं, बहुत ही अर्जेंट भर्ती है कोरोना वायरस की वजह से। तो जल्दी से इस फॉर्म को आप लोगों को अप्लाई करना है। इसकी जो लास्ट डेट होगी वो बहुत ही कम है, क्योंकि 24 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। तो जल्दी से आप लोग इसको फिल कर लेंगे। इस वीडियो में आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स, इसकी सैलरी और ये सारी कैसे इसको फॉर्म को फिल करना है, सारी डिटेल्स वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से ज़रूर देखना दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, नेशनल हेल्थ मिशन महाराष्ट्र के बारे में। तो दोस्तों ये जो कंपनी है इसकी वो NHM नागपुर नेशनल हेल्थ मिशन है। इसकी जो जॉब लोकेशन होगी वो महाराष्ट्र होगी। इसकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी वो 10th डिप्लोमा और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट के माध्यम से होगी। इसकी जो एडवर्टाइज, इसकी जो नोटिफिकेशन आई थी वो 16 अप्रैल को आई थी। और दोस्तों इसकी जो अप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसकी अप्लीकेशन फ़ीस आपकी 0 रुपये, यानी एक भी अप्लीकेशन फ़ीस आपको इसमें नहीं देनी होगी। इसकी पोस्ट नेम बात करें तो इसकी पोस्ट नेम जो आपकी है, इसमें जो फिजिशियन की जो पोस्ट है इसमें आपकी 69 पदों पर भर्ती की जाए, जो एलिजिबिलिटी इसकी है MD मेडिसिन की है। फिर नेक्स्ट आपका था आर्टिस्ट, इसमें आर्टिस्ट में आपकी 36 पदों पर भर्ती की जाए, जिसमें जो एलिजिबिलिटी आपकी होगी वो डिग्री डिप्लोमा होनी चाहिए एनेस्थीसिया से। इसके बाद जो मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो इसमें जो 339 पदों पर भर्ती की जाए, इसकी जो एलिजिबिलिटी मांगी गई यानी क्वालिफिकेशन मांगी गई वो MBBS होना चाहिए। इसके बाद आता है आयुष मेडिकल ऑफिसर के, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो आपकी 452 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें जो एलिजिबिलिटी आपकी है वो BAMS या BUMS होना चाहिए आपके पास, ठीक है। इसके बाद आपका आता है हॉस्पिटल मैनेजर, इसमें आपकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो आपकी 141 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें एलिजिबिलिटी जो मांगी गई है वो एनी मेडिकल ग्रेजुएट विथ MPH MHA MBA विथ 1 साल एक्सपीरियंस के साथ, हॉस्पिटल में जो 1 साल का हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, जो उसका 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं नर्स, सबसे ज़्यादा नर्स पदों की भर्ती की जाएगी। जो नर्स में आपकी 2445 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसकी जो एलिजिबिलिटी आपके होनी चाहिए आपके पास JNM होना चाहिए या फिर आपके पास MBSC नर्सिंग का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो टोटल 2445 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके बाद आता है रेडियोलॉजिस्ट में, इसमें आपकी जब नंबर ऑफ पोस्ट है आपके 43 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसकी जो एलिजिबिलिटी होगी वो रिटायर्ड एक्सरे टेक्नीशियन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है ECG टेक्नोलॉजिस्ट, इसमें आपकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो आपके 42 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो BSc होना चाहिए विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपकी BSc कम्प्लीट होना चाहिए और ECG टेक्नीशियन में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, इसमें आपकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है उसके नंबर ऑफ पोस्ट है 152 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें आप जो कोई एलिजिबिलिटी मांगेगी वो BSc विथ DMLT से होनी चाहिए। इसके बाद आपका आता है ड्रग मेकर, ड्रग मेकर में आपकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है उसमें आपकी 183 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो बी फार्मा या डी फार्मा आपके पास एलिजिबिलिटी आपकी मांगी गई है। इसके बाद आपका आता है स्टोर ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर में आपकी जो एलिजिबिलिटी होगी वो आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ 1 साल के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर कीपर में। इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 143 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके बाद आता है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपके पास 181 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिनमें से आपकी किसी ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपके मराठी आनी चाहिए या मराठी या इंग्लिश आनी चाहिए। मराठी में आपको 30 वर्ड पर मिनट के साथ टाइपिंग होनी चाहिए और इंग्लिश की आपको 40 वर्ड पर मिनट से आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। इसके बाद आपका आता है वार्ड बॉय में आपकी 939 पदों पर भर्ती की जाएगी। जो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वो 10th पास आउट होनी चाहिए आपकी वार्ड बॉय में, यानी आपकी टोटल वैकेंसीज हैं वो 5165 पदों पर भर्ती की जाएगी, जो बहुत ही अर्जेंट भर्ती मांगी गई है। इसमें आपकी जो एज लिमिट नहीं दी गई है, आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, केवल इंटरव्यू बेसिस पर आपका इसका एग्ज़ाम होगा। इसका जो फॉर्म भरा जाएगा वो ऑफलाइन मोड से ही भरा जाएगा, आप देख सकते हैं इसमें कैंडिडेट कैन अप्लाई थ्रू ऑफलाइन मोड, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसकी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आई है, तो उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर हम चलते हैं। तो दोस्तों ये आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें आपकी कितनी सैलरी दी गई है वो भी आपको बता दूँ। ये देख सकते हैं आपके राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, ठीक है, ये आपका नेशनल हेल्थ मिशन नागपुर द्वारा ये जारी किया गया है जो महाराष्ट्र की है। इसमें आपको जो पद के नेम के अनुसार से आपको इसमें आपको सैलरी मिलेगी, जैसे आपको फिजिशियन की आई थी इसमें आपके लिए MD फिजिशियन में आपकी 75,000 रुपये सैलरी होगी,
इसके बाद एनेस्थीसिया के लिए आपके लिए 75,000 प्लस होगी। इसके बाद MBBS से जो है वैद्यकीय अधिकारी MBBS, इसमें आपको 60,000 रुपये तक भर्ती मिलेगी। PBMS BUPMS आयुष वैद्यकीय अधिकारी के लिए 30,000 रुपये मिलेगी। इसी प्रकार हॉस्पिटल मैनेजर के लिए इसमें आपको 35,000 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार आपका सारी डिटेल्स में दी गई है कितने कितने पैसा मिलेगा। जैसे आपका औषधि निर्माता यानी ड्रग निर्माता है, उसके लिए 17,000 रुपये, स्टोर कीपर के लिए 17,000, प्रयोगशाला में लेबोरेटरी के लिए आपके 17,000 रुपये मिलेगी। और ECG मशीनिस्ट ECG टेक्नीशियन के लिए आपके 17,000 रुपये की इसमें आपकी सैलरी मिलेगी, जो बहुत ही अच्छी सैलरी है और बहुत ही अच्छी जॉब भी है। तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर देना है। अब बात आई वार्ड बॉय की, वार्ड बॉय में आपको कितनी सैलरी मिलेगी। आपको वार्ड बॉय में आपके लिए 400 रुपये पर डे आपको सैलरी मिलेगी। इसमें आपको ये देखिए 13 नंबर में लिखा हुआ, वार्ड बॉय के लिए डेली वेज में 400 रुपये मिलेगी, यानी आपको महीने का 12,000 रुपये मिलेगा। इसके बाद आता है आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर में, डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपके मंथली आपके 17,000 रुपये महीने मिलेगी, जिसमें आपके जो 30 वर्ड पर मिनट के लिए मराठी आनी चाहिए और इंग्लिश के लिए टाइपिंग 40 पर वर्ड मिनट आपके लिए होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है, क्योंकि मुझे मराठी आती नहीं है तो मैं मराठी में मैं नहीं बता सकता, और बाकी आप लोगों को इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेना ट्रांसलेट करके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर दोस्तों आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो यार ज़रूर ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सभी लोग कहते हैं कि आपकी वीडियो कब आती है कुछ पता ही चलता है, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को वीडियो जो बेल आइकन होती है उसको प्रेस कर दे और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।